जुगो जुगो अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश प्रभात समय सत्संगत दे समा असी प्राप्त किया है। गुरु हजूरी नूं मानदे आ गुरबाणी कीर्तन स्रोत होया आसा की वार दे रूप विच उपरंत अरदास की शमूलियत दे नाल अज दे गुरुवाक गुरु हुकम अजे हुणे ज्ञानी जी ने सानू सरवण करवाए। पावन वाकां दा पाठ आपने सरवण कर लिया है, हुण इन्हां ही पावन बचनां दी असीं तकरीर विचार करांगे। मर्यादित ढंग दे नाल गुरबचना दी असीं विचार प्रारंभ करते हाँ। सब तो पहला दास द्वारा बुलाई फतेह प्रवान होए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का यह गुरु हुकम राग बिलावल विचों आ रहा है। महला पंजवां गुरु अर्जन पातशाह पंचम नानक इन्हां पावन बचना नूं उचार रहे ने। दो पद्यां दा वाक है, पहला ही बंद रहा उहदा बंद है जिहदे विच शब्द दा मेन मैसेज आ। सब जिक्र करदे ने, दोवें थाम रखे गुरु सूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारे कारज होए सगले पूरे। दोवें थाम रखे गुरु सूरे, गुरु नूं गुरबाणी ने जदों डिफाइन किया परिभाषित किया है उहदियां वडियाइयां दे नाल महाराजे बयान करदे। गुरु उहदे रुतबे नूं समझ, गुरु की है, जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कही है। जिहदे नाल सांझ बने ते मन आनंदवत आनंदमई अवस्था दे विच चले चला जाए, खेड़े विच चला जाए, समझो वह गुरु है। जिस मिले हैं मन होए आनंद सो सतगुर कही है, मन की दुविधा बिनस जाए। गुरु वो है जिहड़ा साडे मन दियां दुचितियां खत्म कर दे, साडियां दुविधावां खत्म कर दे, सानू बिल्कुल जिहड़ी साडी थॉट्स ने जिहड़ा साडा विचार आ उहदे विच कलैरिटी पैदा कर दे, वह गुरु है। इन्हें वे गुरु एक ऐसा साडा मास्टर है, एक ऐसा गाइड आ जिहड़ा साडे थॉट्स नू बिल्कुल सही डायरेक्शन च अलाइन करदा आ। उसनू कहा गया बचन, महाराज बयान करते, जिस मिले हैं मन होए आनंद सो सतगुरु कही है, मन की दुविधा बिनस जाए हर परम पद लही है। मन की दुविधा चली जाए तो जो हर मन की एक सुपीरियर अवस्था परम पद लही है उस परम पदवी नूं प्राप्त कर लिया जाए। सुपीरियर लैवल ते सुपीरियर स्टेट ऑफ माइंड जिहड़ी है उसनू अटेन ते अर्न कर लिया जाए। जदों कोई इस तरीके नाल सानू गाइड करदा ते वो गाइडेंस कुछ होर नहीं गई, फिर बाणी मुताबक ही बात करदा, वो एक थॉट्स ही ने, वो विचार है, वो शब्द है। सो गुर शब्द होके उदों वरत रहा आ जदों आ चीज़ां सानू प्राप्त हो रही ने। ਇਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਆ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥੋਟ ਜਿਹੜਾ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੂਰਮਾ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਥਾਮ ਰੱਖੇ ਗੁਰ ਸੂਰੇ, ਸੂਰੇ ਸੂਰਮੇ, ਜਿਹੜਾ
ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਈਵਨ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ। ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ, ਬਾਣ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਐਰੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣ ਉਸਨੂੰ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਬਾਣ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਕਸਰ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਹੋਏ ਤੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅਚੂਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਜਿਸ ਮਨਸਾ, ਜਿਸ ਭਾਵ, ਜਿਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਬਚਨ ਬੋਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਇਹ ਬਾਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਫਜ਼ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਇਸ ਟੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਈਏ ਭਾਵੇਂ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਥੋਰੈਟੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਫਜ਼ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਸ ਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੇ ਜਾਣ, ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ CBT ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਫਜ਼ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਟੋਨ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਚੋਇਸ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਸਾਈਡ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਹਾਇੰਡ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮ ਹੈ, ਸਮਝ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਬਚਨ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਬਚਨ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਾਰਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਏ, ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਚੂਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਡਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਟਸ ਗੁੱਡ, ਬੀ ਕੁਆਇਟ, ਡੋਂਟ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦਿਸ ਸੋਰਟ ਆਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕਿਡਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਆਈ ਹੇਟ ਯੂ, ਨੋ ਨੋ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟੋਲਰੇਟ ਇਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਲਿਸਨ ਇਟ, ਦੈਨ ਵਟ ਐਵਰ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਲੈਟ ਦੈਮ ਡੂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਦਲੇਰੀ, ਸੂਰਮਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਿਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल कर देना वा, जिस कल्चर च जिस जगह तुसी रह रहे हैं, इत्थे खास करके मीडिया दा ते अजकल सोशल मीडिया दा ते उस सारे दे विच जिहड़ा सो कॉल ग्लैमर ते फैशन वर्ल्ड आ, इहदा इतना ज़्यादा प्रभाव आ, इतना ज़्यादा इनफ्लुएंस आ यंग जनरेशन दे उत्ते कि उन्हां नूं समझ नहीं आउंदी। वो जिवें बंदा बावला हो जांदा, ऐसी हालत होई पई। खास करके बच्चे बच्चियां यंग एज च जिवें ड्रैसअप होंदे ने, जिवें कपड़े पाउंदे ने, जिवें अपने आप नूं अपनी फिजिकल अपीयरेंस लैके आउंदे ने, मोस्ट ऑफ द टाइम इट सीम्स इट्स इनएप्रोप्रिएट। एंड इफ एनीबडी कॉमेंट टूवर्ड दैट साइड और से एनीथिंग, एंड दे यूजुअली एक्चुअली रिएक्ट, यू नो, वी डोंट हैव एनी फॉल्ट इन आवर फिजिकल अपीयरेंस, इट्स इन योर माइंड। यू डोंट हैव एक्चुअली गुड माइंड सेट, वर्क टूवर्ड दैट साइड। When they counter this way or they have actually this sort of response, then people usually, they just quiet their mouth. Nah, I should not say anything. Is kisam diyan gallan hundiyan. Par eh hai, jo sach hai, oh sach hai, jo sahi hai, oh sahi hai. Main ise last year hi ek sadi online ट्रेनिंग सी, तो बड़ी एक रिनाउंड थैरेपी ट्रेनर वो साडा कोर्स लै रही सी ऑनलाइन, तो उत्थे गल हो रही सी कंपैशन फटीक दे उत्ते। कई बार बंदा इतना ज़्यादा कंपैशनेट हो ही जाता कि आप सफर करी जाता, तो वह कहिंदे भी कुछ ऑकवर्ड सिचुएशनस होंदियां ने जिथे यू कैन नॉट हैव एनी say or any voice, just you keep on following the vicious cycle, and even though you know that this is going to kill you, this is going to actually burn you, but you don't have any choice. Idhe utte koi example karke sanu samjhao ki how can we actually counter it. Kuch ek to gallan hor hoiyan, oh kehndi pe let me give you one example from my own side. Example eh hai ki meri beti hai, एंड वो कहती काफ़ी साल पहला की गल है, तो वो शी वॉज वेरी प्लम्ड एंड बट एट द सेम टाइम शी इज़ इन अर्ली टीन, एंड वन डे आई सॉ हर शी वॉज ड्रेसिंग अप टू एक्चुअली गो टू स्कूल, इट वॉज लिटिल बिट ऑकवर्ड, आई वॉज थिंकिंग नो नो दैट्स टू मच skin exposure, that should not be there. And that trainer is totally coming from white background, and at the same time she is highly educated, totally living in modern actually world. She's mentioning in during our training, she was saying, when I saw her I realized no, then I actually give her a little demonstration. Okay, kid, as I'm looking toward you, you have too much exposure. So, is it okay if I touch you over here? Because your whole actually skin exposure is here. No? Why would? Then definitely be aware about it. It can happen. You know, if I'm staring toward your actually these body parts in that way, is it good? No, this is not good. Then be aware, it's going to happen. So in that way, I gave her that whole, you can say, opinion or my actually advice. She wasn't happy. She was very upset. She didn't go to school. She actually had a fight with me that time. But it's okay. And everyone was saying, bravo, you are really a brave mom, you did very well. Okay, yes. Sometime you have to be that much courageous. If you feel somewhere that you have to speak out loud, otherwise other person might not be able to understand that
he or she is going towards the wrong direction, or he or she needs some sort of guidance over there. And you know that you can give that guidance. You have that role over there, and you have the extra vision compared to that individual who is stuck in own kind of mindset. Then speak out loud. This is the kind of message Gurbani gives us time to time. And here we are discussing Kabir Satgur Sur mein bahya baan jo ek. ऐसा बाण, ऐसी वाणी जिहड़ी सीधी आके दिल ते सट मारे, मतलब ऐसा सीधे रूप दे विच। अक्सर हुंदा बंदा कहिंदा ना 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 तू मेरे दिल नूं लग गई गल, तू एवें क्यों कह दिता। बाबा जी कहिंदे गुरु सूरमा आ, उह कहिंदा क्योंकि तेरा तेनूं किसे गलत पासे नहीं जाण देना। सो कबीर सतगुर सूरमे बाहिया बाण जो एक लागत ही पोहे गिर पड़ा, बस वो तीर वज्जा नहीं तो जमीन ते बिल्कुल डिग गया राइट वे, परा करेजे छेंक ते कलेजे च छेंक हो गया, दिल विन्या गया। इसनू प्रेमा भगती च भी लिया जाता, पर ये नाल ही ये भी चीज आ कि बंदे नू ऐसी इस तरीके नाल गाइड कर देना कि मुड़ के वो किसी होर पासे जा ही ना सके। एग्जैक्टली उस सिक्ख्या नो सोच नो ते ए गुरु सूरमा आया, ते फिर गुरु सूरमे दे नी एहो जे बचन एहो जे बोल कोई सूरमा सुरत जिहड़ी है उही उसनू लै सकेगी। कमजोर आदमी ते उस रूप जा ही नहीं सकता। बचन असी होर पढ़ीए, बाबा जी दे सी बचन पढ़दे महाराज बयान करदे, जांको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। सतगुरु भी सूरमा आ, पर जिसनू इन्हों बचना की चेटक लग जाए वह भी सूरमे बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लगता कि हाँ ये सिक्ख्या मेरे बड़े काम की है। वो अपने आप च इन्ने दलेर होंगे ने, ताकतवर होंगे ने, समर्थ बनते कि उस सिक्ख्या मत्थे ते सहिंदे ते उस रूप फॉलो कर दे। जो शब्द पढ़ीए जपजी साहब पढ़ते हैं, जत पहारा तिर सुनियार अहरन मत वेद हथियार। जो वेद का हथियार चले तो मत अहरन एनविल की तरह काइंड ऑफ जिहड़ा आयरन का पीस हुंदा आ, जिहड़ा माड़ा जिहा भी सज्जे खब्बे नहीं हुंदा, उत्ते इन्नियां सट्टां पैंदियां उत्थे टिक रहिंदा बिल्कुल। जो ज्ञान का हथियार चलता तो ज्ञान ज्ञान सानू शीशा विखाउंदा, ज्ञान सानू दसदा आ कमियां ने, आ तेरे अंदर वीकनेसिस हैगियां ने, you have to work to improve your these behavioral things. And mostly if we actually show any weakness in any individual who is struggling with those weaknesses, most of the time no one gonna like it. They gonna say why are this none of your business. But a person who is aware about it, yes, ये मेरी help वास्ते हैगा आ, वो फिर कहिंदा हाँ मैं accept करदा, मैं कम करांगा, मैं बड़ा धन्नवादी हाँ तेरा। एहो जे लोग जड़े ने वो सूरमे होंदे ने। बचन फिर आ जाइए वापस, दोवें थाम रखे गुरसूरे। गुरसूरमे ने दोनों थां रखे, लोक परलोक सहाई होया साडे वास्ते, सानू दोनों रूपां दे च बचा लिया। इस तरह जाणो कहिंदे ने दोवें घर नहीं बचदे हुंदे, गुरु सूरमा दोनों घर बचा देंदा आ। या क्या जांदा, या दुनिया कमाओगे या दीन कमाओगे। जे बंदा दीन कमाएगा दुनिया छुट जाएगी, जे दुनिया कमाएगा दीन छुट जाएगा। बाबा जी कहिंदे दोनों ही कमाएगा, गुरु दोनों कमाउणे सिखा देंदा। उह कहिंदा तू दोनों कमा लै। इस करके असीं बचन पढ़दे हां, दीन दुनिया दरक मंदे आ पुरी रुखसार मां, हर दो आलम कीमते यकतार मुए यार मां। भाई साहब भाई नंद लाल जी कहिंदे हे गुरु गोबिंद सिंह साहब, जो तुझ सूरमे सतगुरु की मैनू अगवाई मिली ना, जो तुसी मेरे लीडर बने, तुसी मेरे मार्गदर्शक बने, तो मैनू पता लग गया दीन दुनिया दरक मंदे, की दीन ते की दुनिया, की लोक ते की परलोक, की आ संसार ते एक संसार तो पारला संसार, दोनों ही झोली च बह गए।
दोनों की प्राप्ति हो गई। इसनों महाराज ने इस तरह भी कहा कि चेते रखी गुरु सूरमा दीन का तोसा देंदा है, वो दीन का तोसा तेरी दुनी सवार देंदा है। हालांकि कारज ते इस तरह कह लो कि असी बड़े मीनिंगफुल वे दे नाल अपने उस अल्टीमेट गोल नू अचीव करन वास्ते वध रहे हां, जिसनों असी मुक्ति कह सकते हैं, सैलवेशन, जिसनों असी मोक्षा कह सकते हैं, जिसनों असी निर्वाणा कह सकते हैं। एनी पीपल कैन एक्चुअली यूज एनी टर्मिनोलॉजी फॉर दैट, बट उहदे लई गुरु ने जिहड़ा राह दस्या वह दुनिया सवारन वाला राह आ। जे अज सवरेगा तो कल चंगा होएगा, जे अज नहीं सवरेगा तो कल किवें चंगा हो सकता है। सो गुरु की अप्रोच बड़ी प्रैक्टिकल आ, बड़ी विजनरी हैगी है। साहेब महाराज बयान कर दे कि दीन कै तोसा है दुनी ना जाए, जिहड़ा दीन का तोसा गुरु दे रहा है इहदे नाल दुनिया नहीं खराब होंदी बल्कि होर सवरदी है। सो महाराज कहिंदे दोवें थाम रखे गुरसूरे, हलत पलत पार ब्रह्म सवारे, कारज होए सगले पूरे। हलत पलत सगले सवारे, जिहड़े हलत पलत पार ब्रह्म सवारे, जिहड़े उस गुरु दे सदका जिहड़ी ओह पार ब्रह्म हस्ती है, जिहड़ी मतलब ब्रह्म दी गल ते भारती खित्ते च बड़ी कीती गई पार ब्रह्म, उस ऑल माइटी अकाल पुरख वाहिगुरु दे सुपीरियर उहदी जिहड़ी अपीरेंस आ, जिहड़ी उहदी एग्जिस्टेंस हैगी है, उस नूं मान सकना। अदरवाइज बंदा रब के नाँ ते भी परम भुलेखे च पिया रहिंदा आ। अज तक भी बात असीं वेखदे हां लोकी मूर्तियां बना के रब पूजदे ने, बहुत कुछ ऐसा हुंदा आ, पर पार ब्रह्म का मायना यह है अमूरत हो के वह हस्ती जिहड़ी जर्रे जर्रे च मौजूद आ उसनों किसी तरीके नाल परसीव कर सकना। बाबा जी ने कहा हलत पलत पार ब्रह्म सवारे, जदों उस पार ब्रह्म का वो लैवल समझ आया हलत पलत लोक परलोक सवर गए। इसकी होर व्याख्या भी दानिशमंदा ने की है, कहिंदे दो दुनिया होंदिया ने, एक दुनिया बाहर आ एक दुनिया अंदर आ। बाहर की दुनिया के बंदा हो सकता बड़ा पोलाइट है, बड़ा मैनरफुल आ, बड़ा गुड बिहेवियर करने वाला आ, पर अंदर की दुनिया च बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक कशमकश चल रही है। उसनू जो कर रहा उहदे नाल अंदर मैच नहीं कर रहा, तो जिहड़ा मिसमैच आ इसनू जिवें अंडरलाइन मतलब परसनैलिटी इशूज़ कहा जाता, बॉर्डरलाइन परसनैलिटी इशूज़ कहा जाता है, डूअल परसनैलिटी इशूज़ कहा जाता है, ये सारिया चीज़ा मैंटल हैल्थ च उन्होंने नाँ दे दिते वक्रे वक्रे, पर एक्चुअली हैगी बंदे दी स्ट्रगल आ। जिहड़ी बाणी की गल पढ़ते हैं बाणी कहती है बी ऑनैसट, जो ईमानदार होएगा अपने आप के नाल तो फिर पता लगेगा हाँ जिहड़ी दुनिया अंदर विचारां च ख्यालां च सोचां चल जाए कि बाहर आ जाए की बनेगा। एक पल ही इमेजिन करके देख, बंदा कहेगा ना 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 ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर एक कम करते हैं जिवें बाहर चाहते हैं ठीक होए अंदर नूं उस तरीके ना कर लई, स्ट्रगल होए ही ना, दोनों च मैच हो जाए। इत्थे जो दोनों च मैच हो गया फिर तो सब कुछ ही सवर गया, फिर तो समझो बंदा अंदरों ही देव बन गया, अंदरों ही डिवाइन हो गया। गुरु महाराज कहिंदे ये हो सकता जे पार ब्रह्म जो उस रब दे आशे दा एहसास हो जाए, वो सब कासे नूं वेख रहे है, अंतरयामी है, ओमनी प्रेजेंट है, सब कासे नूं जानदा है, लुकावां छुपावांगा किहदे तों। बचन आया हलत पलत पार ब्रह्म सवारे, कारज होए सगले पूरे, सब कारज पूरे हो गए, कुछ भी अधूरा ना रह गया, क्योंकि समझ आ गई ना सब कासे दी, हुण पता लग गया, पकड़ आ गई। रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे, मजन होवत साधु तूरे। मजन होवत साधु तूरे, मजन इशनान करनो क्या जांदा आ, साधु तूरे साधु लोकां दे चरणां दी धूट दे विच इशनान कर लेना। वैसे ये कोई नवीं गल नहीं गई, अज भी आपनों हिपोक्रेसी दे विच
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਮਤ ਕੋਈ ਨਿੰਦੋ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਏਕੋ। ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਗਜ ਸਾਢੇ ਤਹਿ ਤਹਿ ਧੋਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤਗ ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨੇ ਬਗ ਉਹੀ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਦਿਸਦੇ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਕੁਝ, ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਾਧੂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਾਧੂ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਛਾ ਹੋਏ ਤਰਕੋਨਿਆ ਨਹੀਂ ਬੁੜੀਐ, ਦੱਖ ਹੈ ਅੱਕੈ ਕੇਰੀ ਖੱਖੜੀ, ਕੋਈ ਅੰਬ ਨਾ ਅੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਗਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣਾ। ਗਰੇਪ ਸੰਗੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਖਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਤਰਕੋਨੇ ਤਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਸ ਆ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਧੂ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸਿਰਫ ਲਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮਜਨ ਹੋਵਤ ਸਾਧੂ ਧੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਸਾਧੂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੀ ਮੰਨਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਚਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਵਰਾਇਟੀਫੁੱਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮਜਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 'ਚ ਤਨ ਨੂੰ ਡੁਬੋਈਦਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਡੁਬੋਈਦਾ, ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਮਜਨ ਹੋਵਤ ਸਾਧੂ ਧੂਰੇ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਥਿਤ ਪਾਈ, ਮਰਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਬਿਸੂਰੇ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਥਿਤ ਪਾਈ, ਥਿਤ ਸਥਿਰਤਾ ਟਕਾ, ਚੰਚਲ ਮਾਤਿਆ ਬੰਦਾ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਇੰਡ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਐਕਚੁਲੀ ਸਟਕ ਇਨ ਮਿਜ਼ਰੀ, ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਸਾਈਡ ਅਸ, ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟੂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਔਨ ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ, ਟੂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਔਨ ਆਵਰ ਰੀਅਲ ਟਾਸਕ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਯੂਜੁਅਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਈਵਨ ਦੋ ਆਈ ਨੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫਾਰ ਮੀ, ਬਟ ਸਮ ਹਾਓ ਆਮ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦੈਟ ਪਾਥ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਚੰਚਲ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਥਿਤ ਪਾਏ, ਇਸ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤਾਲੀਮ ਆਫਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲਿੰਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਾਵਟਾਂ
पढ़ समझ जिहड़ियां तेरी अंदर दी दुनिया नूं सजाण वास्ते सहेजन वास्ते तेरी मदद कर सकन। बाणी इसे कर इस तरह की रचना हैगी है। फिर इहदे नाल मैडिटेशन की भी गल आउंदी है, माइंडफुलनेस की गल आउंदी है। ये सब चीज़ां बाबा जी ने बयान किया, ये तेरे अंदर दी उस माइंड पॉन्टरिंग नूं एक तरह के नाल बड़े कह लो कि हैल्पफुल वे दे नाल। कई बार हुंदा बंदा सपोज करो आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं कि ये नाल मैं हैल्दी फील करांगा, मोर एनर्जेटिक फील करांगा, पर एक्सरसाइज करने नाल बल्कि होर ज़्यादा बंदा टायर्ड फील करता या एक लैवल तो लगता भी ओ माई गॉश आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम। इन बिन मैंटल एक्सरसाइज की भी यह गल है। बाबा जी कहते कुछ यहोजी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज आ जाए जिदे नाल बंदे च वाकई च लभ जाए कि मन में टिकाणा किवें है। सो दे लई बाणी का मैसेज जिहड़ा सानू वार वार मिलता, इत्थे क्या आवण जाण रहे थित पाई, जन्म मरण के मिटे बिसूरे। बिसूरे बड़ी वड्डी पनिशमेंट कहिंदे ने, साडी सोल नूं साडी रूह नूं जम्मण मरण का एक बड़ा वड्डा श्राप मिलिया आ। जदों आपां इस लाइफ स्टाइल नूं इस गुरु दरसाई सिक्ख्या नूं अडोप्ट करते हैं असी उस करस जिहड़ा आ उस नूं भी काउंटर कर लैंदे हां, उहदे चों बाहर आ जांदे हां। परम पै तरे छूटे पै जम के, सब तरह के परम दंभ लै जांदे ने, जमा का डर भी जिहड़ा उह चूक जांदा है। घट घट एक रहा पर पूरे, हर हिरदे दे विच उह इक अकाल पुरख वाहिगुरु रवन करके बैठा है। इहदा अहसास आ जांदा मीन बंदे नूं, रियल सैल्फ रिलाइजेशन हो जांदी। नानक शरण परयो दुख भंजन, अंतर बाहर भीख हजूरे। ये नानक है जदों दा गुरु सूरमे तो उपदेश मिल गया आ, हुण सही शरण चला गया करतार दी, ते दुख भंजन दुख दूर हो गए, अंतर बाहर भीख हजूरे, क्योंकि वह हाज़र नाज़र आ। एक पल भी ऐसा नहीं जिहड़ा उहदी हाज़री तो बिना होए, एक थां भी ऐसी नहीं जिहड़ी उहदी हाज़री तो बिना होए। एक तरह दे नाल जिहड़ी वननैस आ, सचार होने वाली अवस्था आ, उसनों अटेन कर लिया आ। साहब रहमत करन, ये नाल भी वाकां की प्रीति साडी सुरत च आवे, यही दिली अरदास आ। इन्हीं अक बेनतियां नाल खिमा इत्थे समापन करदे हां। कह देना जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।